युगादि देव रतन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए आदिनाथ परमात्मा की स्तवना करते हुए बोले आदिनाथ भगवान की जय। अनंत लब्धिधारी गुरु गौतम स्वामी जी भगवान की ऊर्जा हमारे जीवन के अंदर प्रकट हो, हमारा जीवन और प्रगतिशील बने, इस कामना के साथ मंगलाचरण से आज के हमारे इस अनुष्ठान का, आज के हमारे भक्तामर भक्ति बिंदु का दिवस नंबर 9 आज हम शुरू करने वाले हैं। तो फटाफट से आप सभी लोग जूम पर भी जुड़ चुके हैं, फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, तहे दिल से शुक्रिया है मेरे साथ जुड़ने के लिए, अनुष्ठानों के अंदर भाग लेने के लिए, और ऊर्जा का एक आह्लादक हम लोगों ने सबने मिलके जो सामूहिकता की ऊर्जा का निर्माण किया है उसके लिए आप सभी का भी बहुत 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 शुक्रिया है। मैं हूँ जैन हीलर पूजा शाह, जैन हीलिंग सेंटर जामनगर के माध्यम से, वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग के माध्यम से, फेसबुक पेज है मेरा वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग एंड यूट्यूब चैनल जैन हीलर पूजा शाह। आप सबने बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद दिया है, ढेर सारा प्यार दिया है, ऐसे ही सतत आशीर्वाद और प्यार देते रहिए और आज की भावधारा में हम आगे बढ़ते। तो हाथ जोड़ते हुए आंखों को बंद रखेंगे और पंच परमेष्ठी परमात्मा की ऊर्जा हमारे घर में, हमारे जीवन में और हमारे रोम रोम में आए, बसे और स्थायी हो जाए, इस भावना के साथ अरहंत भगवंत इंद्र महिता सीधाश सीधे सीता आचार्य जिन शासन नति करा ओ जाओ पाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्न मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धिकणाभण्डार श्री गुरु गौतम समरे मनवांछित करदाता मनवांछित करदाता। सबसे पहले आज हम माता रानी की ऊर्जा, रोज अलग अलग माता जी की भक्ति हम कर रहे हैं जिसके अंदर आज सविशेष हमें भक्ति करनी है, सविशेष जिनकी ऊर्जा हमें हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में और हमारे रोम रोम में बसानी है, ऐसी भगवती साक्षात जिनके स्वरूप है और साक्षात जिनके पर्चे हम सबने जाने हैं, माने हैं, अनुभूत किए हैं, ऐसी राजराजेश्वरी भगवती माँ पद्मावती का मेडिटेशन अभी हम करेंगे। आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, आज महाशिवरात्रि, बहुत ऐसे अच्छे शुभ योग आज बन रहे हैं, तो आज के दिन जितनी हो सके उतनी ज्यादा धर्माराधना करें, मिनिमम से मिनिमम 3 नवकाल वाली आदिनाथ परमात्मा की गिने, ओम रिम अरहम श्री आदिनाथाय नमो नमः। इस माला को, इस मंत्र जाप को 3 करेंगे और साथ में आज है गुरुवार, तो आज गुरु का भी वार है, मतलब बृहस्पति की सीधी कृपा, गुरु जिनका बलवान है उनके घर में सुख समृद्धि का बहुत 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 आवागमन होता है, और साथ साथ में आप उस गुरु ग्रह को आज बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। आज के पूरे दिन में कभी भी जब भी समय मिलता है कोई भी पीली वस्तु का आपको दान करना है, यथाशक्ति यथा योग्य, पर पीला कोई भी फल ले लीजिए दान करिए, पीला थोड़ा सा कोई भी चावल चने की दाल है जो भी है,
आधा किलो, 1 किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, जितना आपका यथाशक्ति है उतना दान करिए। पीली वस्तु का खास दान करिए। और आज महाशिवरात्रि के दिन परम कृपाणु शिव भगवान भी वैदिक परंपरा के अंदर जो मूल तत्व है वो है शिव तत्व, और आदि नाम के अंदर भी उस शिव तत्व का निवास है। तो ऐसे शिव भगवान को भी खास 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 वंदन करते हुए कि परमात्मा की एनर्जी मुझे मिलती रहे। हमें कोई अलग धर्म की, अलग देव देवियों की कोई कभी उपासना नहीं करनी है, परंतु हर प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आती रहे, मुझे मिलती रहे, उस भावना के साथ लगातार आज पूरा दिन परमात्मा आदिनाथ की भक्ति हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले राजराजेश्वरी भगवती पद्मावती माँ का आवाहन हमारे जीवन में, हमारे घर में करते हैं। तो कमर से टट्टार बैठते हुए अपना संकल्प मन के अंदर एक बार बोल दीजिए, ले लीजिए कि आज माता रानी की कृपा से मेरा संकल्प जो सकारात्मक संकल्प है वो सिद्ध होगा, होगा 100% होगा ही, क्योंकि माँ की एनर्जी के साथ, माँ के वात्सल्य के साथ मेरे जीवन में उन्नति और प्रगति सुनिश्चित है। तो संकल्प को, संकल्प मुद्रा में हाथ को रखते हुए ले लीजिए और फिर आंखों को बंद करते हुए डीप ब्रीदिंग के साथ ज्ञान मुद्रा में सब बैठेंगे। मेरे संकल्प को खूब सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, कमर से टट्टार, गहरी गहरी सांसों को लेते हुए माँ पद्मावती की फोटो का दर्शन करते हुए माँ पद्मावती की ऊर्जा मेरे जीवन में प्रकट हो रही है, माँ पद्मावती का ध्यान करना शुरू करेंगे। आज्ञा चक्र के ऊपर राजराजेश्वरी भगवती माँ पद्मावती का आलेखन करेंगे। माँ पद्मावती को सतत 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 स्मरण करेंगे, वंदन करेंगे। अंतिम बार आपने जहाँ पर भी देवी पद्मावती की मूर्ति को पूजन किया हो, दर्शन किया हो, वंदन किया हो, ऐसी हे माँ पद्मे, मेरे जीवन में आपकी ऊर्जा को प्रदान करें, आपकी जागृत ज्योति मेरे जीवन को बहुत 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 ज्यादा पॉजिटिव पावर्स दे रही है। इस पावर को फील करें और परमात्मा पार्श्वनाथ की असीम दिव्य कृपा मुझे मिल रही है, मुझे मिल रही है, इस भावना के साथ गहरी गहरी सांसों को लेना शुरू करेंगे। मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। आज के मेडिटेशन में सातों के सातों चक्रास को एक साथ पॉजिटिव पावर्स मिल रही है और आगे 7 लेयर्स, हर लेयर को खूब 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 सकारात्मक ऊर्जा का स्पंदन मिल रहा है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपकी ऑरा में, चक्रास में,
और आपकी फीलिंग्स के अंदर हो रहा है। आपके शरीर का हर एक ऑर्गन शुद्ध हो रहा है, आप शांत हो रहे हो, आपका मन, आपका हृदय खूब 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 क्लैरिटी से भर रहा है। पॉजिटिव पावर्स के साथ आपके हृदय में माता रानी का निवास हो रहा है। माता रानी की ऊर्जा का आवाहन आपके जीवन में हो रहा है और माँ का असीम आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो गया है। अपने सातों के सातों चक्रास को वन बाय वन विजुअलाइज करते रहेंगे और ज्ञान मुद्रा के अंदर रखे हुए मेरे हाथों से, मेरे अंगूठे से उस एनर्जी का फ्लो मेरे पूरे शरीर में जा रहा है। इस भावना को मूर्तिमंत करते हुए, इस भावना को फील करते हुए माँ पद्मावती का अद्भुत ध्यान, माँ पद्मावती की मूर्ति, माँ पद्मावती की फोटो का आलेखन अपने आज्ञा चक्र में सतत करते रहें। जहां पर भी आपकी मूर्ति है, मैं आपको नमन कर रहा हूँ, मैं आपको भावपूर्वक वंदन कर रहा हूँ। आपके लोकल घर के दरासर में, सिटी के दरासर में, जहां जहां भी पद्मावती माँ है, आपने जब भी उनकी पूजा की है, ऐसी माँ को प्रणाम करते रहिए, भाव पूजा करते रहिए। और मैं माँ को सहस्त्र दल कमल से पूजन कर रहा हूँ, अर्चन कर रहा हूँ, और वो फूल पूजा की ऊर्जा, चंदन पूजा की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मी दायिनी वांछापूर्णे रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु स्वाहा। म्यूजिक की तरंगों को अपने अंदर बहने दीजिए और इस तरंगों के साथ अपने अंदर पॉजिटिविटी को फील करते रहिए। सतत 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 माँ की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। माँ का आशीर्वाद आपके सभी चक्रों को शुद्ध करते हुए
आपके आज्ञा चक्र को खूब पॉजिटिव पावर दे रहा है और आज के दिन पूरे दिन की जितनी भी पवित्र ऊर्जाएं हैं, जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये सारी ऊर्जाएं आपको तुरंत मिल रही है। इस ऊर्जा को ग्रहण करें। आपके हाथ ग्रहण मुद्रा में ही रहने चाहिए या आप ज्ञान मुद्रा में हाथों को गोदी में रखेंगे और सतत इस ऊर्जा प्रवाह को ग्रहण करते रहें। I receive the tremendous power of blessings of positivity into me with whole heart, with full faith and with lots gratitude. पद्मासने लक्ष्मी दायने वांछापाने रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरुकुरु स्वाहा। अपने अंदर इस पॉजिटिविटी का स्वीकार करते रहें, इस एनर्जी फ्लो का फील लेते रहिए। एनर्जी आपके सातों चक्रास में बह रही है। मां पद्मावती की कृपा आपकी ऑरा को खूब सकारात्मक, खूब स्ट्रांग एंड खूब पावरफुल बना रही है। एंड एक्सेप्टेंस की फीलिंग के साथ मां पद्मावती का डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ हो चुका है। उस ऊर्जा का डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ हो चुका है। घर में, जीवन में, हर एक क्षेत्र में आपको सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की भावना मिल रही है। सर्वत्र आनंद, आनंद, आनंद और खुशी की चरम सीमा की प्राप्ति आपको हो रही है। खूब 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 शांति आपके जीवन में बह रही है। मां पद्मावती का दिल से आभार मानते हुए ग्रेटिट्यूड टू ऑल द डिवाइन एनर्जीज विच आर हेल्पिंग अस थ्रू आउट आवर लाइफ, in and out in our life, each moment, each phase in our life, we all are humbly thanking all the divine energies. Thank you, thank you, thank you. एनर्जी फ्लो को जनरेट करें और उस एनर्जी को अपने क्राउन चक्र से पूरे बॉडी में लगाएं, सभी अंग में, सभी चक्राज में उस एनर्जी को पुट करें और फिर आप आराम से आंखों को खोल सकते हैं। आज आगे बढ़ते हुए माँ पद्मावती का आशीर्वाद हमने हमारे जीवन में लिया है। माँ पद्मावती की साधना जितनी करें उतनी कम है और खास शुक्रवार, शुक्रवार माँ का दिन प्यारा, कल है, आज नहीं है, परंतु शुक्रवार के दिन आपको खास
माता रानी की भक्ति करनी है, पद्मावती माँ को एक लाल फूल चढ़ाना है, कमल का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। शुक्रवार के दिन जितना आप माता रानी की भक्ति करते हैं उतना आपके जीवन में खूब 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 पॉजिटिव पावर्स बनी रहती है। तो चलिए आज की भावधारा में आगे बढ़ते, जरा सा वार्षिक क्षेत्र आपके हाथ में ले लीजिए। आपने धूप दिया शुरू कर दिया होगा, जरा सा वार्षिक क्षेत्र हाथ में ले लीजिए और जिस भूमि पर हम बैठे हैं उस भूमि शुद्धि का विधान कर रहे हैं कि मेरे आजू बाजू का पूरा वातावरण खूब शांत हो रहा है, खूब सकारात्मक हो रहा है और मेरे जीवन में हर प्रकार के वास्तु दोष दूर हो रहे हैं। स्पेशली भूमि शुद्ध हो रही है और हर प्रकार के वास्तु दोष दूर हो रहे हैं। हाथ में वासक क्षेत्र को लेते हुए से भूत धात्र सर्वभूत भूमि शुद्धि कुरु कुरु स्वाहा। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन पवित्र हो रहा है। आज के दिवस की पावन ऊर्जा मेरे मन को बहुत 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 शांति दे रही है। हर प्रकार की डिप्रेशन, एंजाइटी, हर प्रकार का स्ट्रेस मेरे दिमाग में से, मेरे मन में से और मेरे जीवन में से दूर हो रहा है। इस भावना के साथ ओम अरजे विरजे अशुद्ध विशोधिनी मा शोधया शोधया स्वाहा। हाथों को अंजलि मुद्रा में करते हुए मेरे हाथ के अंदर हर प्रकार का उत्तम जल, हर पवित्र नदियों का, हर तीर्थ स्थानों का पवित्र जल मेरे हाथ में है और मेरा जीवन शुद्ध हो रहा है, मेरा भाव शुद्ध हो रहा है और मेरा अंग अंग इस पवित्र जल के स्पर्शन मात्र से शुद्ध हो रहा है। मुझे रोग मुक्ति मिल रही है और मेरे कर्मों की पीड़ा धीरे 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 कम हो रही है। इस भावना के साथ हाथों को अंजलि मुद्रा में रखते हुए ओम नमो विमल निर्मलाय सर्व तीर्थ जलाय पाम पाम वाम वाम स्वीम स्वीम अशुचि शुचि वहामि स्वाहा। हर प्रकार के रोग में से मेरी मुक्ति हो रही है और पॉजिटिव पावर्स कि अमृत वर्षा मेरे क्राउन चक्र के माध्यम से मेरे अंदर हो रही है। आज आपके हाथ ऐसे रहेंगे, क्राउन चक्र के ऊपर पिरामिड के अंदर आपके हाथ ऐसे रहेंगे इस एक मंत्र के दौरान। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृत श्रावय श्रावय मम सर्व रोगान प्लावय प्लावय स्वाहा। हाथों को नीचे रख देंगे, हाथों को हृदय के ऊपर रखते हुए हृदय न्यास, हृदय न्यास यानी कि सर्व प्रकार का कल्मषों का दहन और हृदय की शुद्धि। हृदय न्यास के साथ साथ मेरी बाहों में, मेरी भुजाओं में, हाथ को एक बार ऐसे करेंगे, मेरी भुजाओं के अंदर सर्वता का तारे है, शुभ कार्य करने की एनर्जी मेरी भुजाओं में आ रही है। दोनों हाथों को एक बार पैर के ऊपर लगाएंगे, मेरे पैर ताकतवान हो रहे हैं, मेरे पांव के अंदर जो शक्ति आ रही है हर प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी मेरे पैर के अंदर आ गई है। और अब हाथ को फिर से हृदय के ऊपर रखते हुए हृदय शुद्धि के साथ साथ हर प्रकार के राग, हर प्रकार के द्वेष, हर प्रकार की चिंता मेरे में से दूर हो रही है। ओम विद्युत स्फुलिंगे मा विद्ये सर्व कल्मषं दह दह स्वाहा। ओम विमलाय विमल चित्ताय ह्रीं श्रीं स्वाहा। पंचांग न्यास करते करते सभी एनर्जी पॉइंट्स के अंदर खूब पॉजिटिव पावर आ रहा है। ऐसा पंचांग न्यास, सबसे पहला हाथ रहेगा कीचड़ के ऊपर, फिर दूसरे पॉइंट पे हाथ जाता है पेट के ऊपर, तीसरे पॉइंट में हाथ जाता है हृदय के ऊपर, चौथे पॉइंट में हाथ जाता है
फेस यानी कि मुंह के ऊपर और पांचवें पॉइंट में हाथ जाएगा सिर के ऊपर। तो ऐसा पंचांग न्यास हर प्रकार के हमारे एनर्जी सेंटर्स को बहुत 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 लखलूट पॉजिटिव पावर मिल रहा है। इस भावना के साथ पंचांग न्यास करेंगे। श्री पा ओम स्वाहा, पंच परमेष्टि के शरणा को लेते हुए शरण को ग्रहण करते करते वज्रपंज स्तोत्र सच में बहुत 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 महाप्रभावक है। अलग अलग मुद्राओं के साथ रोज हम रक्षा कवच बना रहे हैं, पर आज जो रक्षा कवच बनेगा खास ध्यान रखिएगा कि आज का रक्षा कवच बहुत 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 पावरफुल है, क्योंकि आज पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जेटिक फील्ड आपके पास है। तो जितना हो सके आज उस एनर्जी को ले लीजिए। तो आज का जो रक्षा कवच बन रहा है, हर प्रकार के टेंशन से, हर प्रकार के तनाव से मुझे मुक्ति मिल रही है, हर प्रकार के शारीरिक कष्टों से, शारीरिक रोग से मैं मुक्त हो रहा हूँ, हर प्रकार के उपसर्ग जो भी मेरे इंटरनल बॉडी के अंदर, अवयवों के अंदर भी कोई उपसर्ग है, तो उन सब को शांति मिल रही है, उन सब में से मैं मुक्त हो रहा हूँ और मेरी रक्षा अभेद्य किले जैसे। आज का ये मंत्रोच्चार, वज्र पंजन स्त्रोत्र का मंत्रोच्चार बहुत 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 आत्मिक शक्ति, आत्मिक शुद्धि, भाव शुद्धि और हर प्रकार के भयों का नाश करने वाला है। तो ऐसा सप्त भय नाशक महामंगलकारी परम उपकारी ऐसा वज्र पंज स्त्रोत्र आत्मरक्षा विधान की, आत्मरक्षा के साथ साथ मेरे जीवन की रक्षा हो रही है, मेरे खुद की जो पॉजिटिव पावर्स है वो मेरे अंदर स्टोर हो रही है। आज आप पॉजिटिविटी के पुंज बन रहे हो, आज इस रक्षा कवच के साथ साथ जीवन में लखलूट पॉजिटिव पावर्स आपको मिल रही है। इस भावना के साथ पंच परमेष्टि को प्रणाम करते करते ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्मरक्षकरं वज्रे पंजराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहंतारं शिरस्कं शिरसि स्थितं। ओम नमो सर्वसिद्धानं मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आयरियाणम अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो उवजायाणम आयुधम हस्तये दृढ़म। ओम नमो लोलसवसाणम मोक्ष के पादयो शुभे। ऐसो पंच नमोकारो शीला वज्रमयी कले सब पाव प्रणासनो वक्र वज्रमयोर्भवी मंगलारंच सवेसिन खादिरंगर खातिका। स्वाहा पंच परं येयं परमं हवै मंगलम वक्रो परिवज्रमय पीडानंद हरक्षणे महाप्रभावारक्षेयं क्षुद्रो कर्म
कथिता पूर्व सूरिदि कथिता पूर्व सूरिदि यशिवं कुरुते रक्षा परमेष्ठि पदे सदा तस्य न स्यात् पयं व्याधि राधेशापि कदाचनम् राधेशापि कदाचनम्। मेरा जीवन हर प्रकार के रोग में से मुक्त हो रहा है, बाकी सब उन्नति हो रही है, बाकी सब प्रकार की सकारात्मकता धीरे धीरे आपके अंदर प्रवेश कर रही है, आपके सारे संकल्प परिपूर्ण हो रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे पहला हमारा संकल्प है कि मैं खुद रोग मुक्त बनूं, और तुरंत दूसरा संकल्प है पृथ्वी पर के जीव मात्र को रोग मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। तो आज हमारी इस ऊर्जा में, इस उन्नत ऊर्जा के अंदर हम एक बार सबसे पहले ओस अग्रहरम का पाठ करेंगे, इस भावना के साथ कि मेरा और पृथ्वी पर के हर जीव का हर प्रकार का रोग, हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार का कष्ट दूर हो रहा है। सभी जीव को परम शांति परम शाता मिल रही है। इस भावना के साथ पूरी पृथ्वी को आज हम सब मिलके ओस अग्रहरम स्तोत्र के मंत्रोच्चार का हीलिंग पावर देंगे, और फिर हम हमारी श्री पद्मनाभ स्तोत्र की भावधारा में आगे बढ़ेंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सबके हाथ ऐसे रहेंगे, हाथों को ऐसे रखते हुए यहाँ पर आप इमेजिन कर रहे हैं कि पूरी पृथ्वी, यहाँ पर धरती माँ को विजुअलाइज करें, पूरी अर्थ को ब्लेसिंग्स मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, और हर जीव को शाता मिल रही है। साथ साथ में हर एक जीवात्मा रोग मुक्त हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप धरती माँ को आशीर्वाद देंगे आपको भी वो आशीर्वाद जरूर मिलेगा, क्योंकि आप धरती के कोई भी कोने में हो, आप जामनगर में हो, आप मुंबई में हो, आप लंदन में हो, आप यूएसए में हो, कहीं भी हो, पूरी पृथ्वी को जब आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब हर एक घर में, हर एक जीवन में इस ऊर्जा का पवित्र आवागमन हो रहा है। तो उस भावना के साथ हाथों को ऐसे रखते हुए आंखें बंद और दिल से एक ही प्रार्थना कि हे परमात्मा, सभी प्राणियों को, सभी जीवात्माओं का हर प्रकार का रोग, हर प्रकार का कष्ट, हर प्रकार का शोक का निवारण हो, और हर प्रकार के उपसर्ग सभी के जीवन में से दूर हो गए हैं। इस भावना के साथ ओसग्रहरं पासं पासं वन्दामि कमघनमुखं विसहर वेशनिन्नासं मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंग मंथम कंठे धारे इजो सयामरो तस्य गहरोग मारी दुट्ट जराजंति उसामम चित्त ओ दुरे मंते तुझ पणामो विभु फलो हो नरतरेषु जीवा पावन्ति न दुःख दोगच्छम् तुह सम्मते लब्धे चिन्तामणि कप्पपाय वब्भये पावन्ति अविज्ञेनम् जीवा अरामरं ठाणम् इह सन्तु ओ महायश भक्ति भर निबरेण हेण तादेव दिज बोधिम भवे भवे पार्श्व जिन चंद भवे भवे पार्श्व जिन चंद। हे परम कृपालु पार्श्वनाथ परमात्मा, आपकी ऊर्जा से हर प्रकार के उपद्रवों का नाश हो रहा है, हर प्रकार का मारी मरकी का भय, हर प्रकार के रोग,
आज आपके जाप से, आपकी दिव्य शक्ति से दूर हो रहा है और परमात्मा पृथ्वी का, समग्र ब्रह्मांड का हर एक जीव शांति पाम रहा है, शांति पाम रहा है और हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के कष्ट आज की इस ऊर्जा निर्वाण के माध्यम से दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। बोलिए परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान की जय। और अब जल्दी से भक्तामर भक्ति के अंदर आगे बढ़ते हुए गाथा नंबर 37 का पाठ करेंगे। गाथा नंबर 37 की भावधारा में आगे बढ़ेंगे कि 37 नंबर की गाथा हमें क्या बोल रही है। तो सर्प भय निवारक गाथा, जैसे चलते चलते जीवन के अंदर, जंगल के अंदर बहुत सारे सर्पों का भय रहता है, वैसे जीवन में भी जो जो भी कष्ट है, जो जो भी ऐसी फीलिंग्स है कि जो सांप की तरह हमें डंक दे रही है, ऐसी सारी फीलिंग्स में से मैं मुक्त हो रहा हूँ, मेरा जीवन और पवित्र हो रहा है, इस भावना के साथ। अगर आप 41 नंबर का श्लोका वाला वक्तामर बुक लेके बैठे हैं तब आपका वो 41 नंबर का गाथा होगा, और अगर आप 44 नंबर की गाथा का वक्तामर बुक लेके बैठे हैं तो 37 नंबर की गाथा, रक्त क्षण वाली गाथा है, ठीक है। सो जे मनुष्य हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी यानी कि औषधि को धारण करता है, तो हे परमात्मा, हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार के सर्प का निवारण आपकी कृपा से, आपकी करुणा से और आपकी ऊर्जा से हो रहा है। इस भावना को मूर्ति मंत्र करते हुए मंथन सुरेश्वर जी कह रहे हैं कि सर्प भय के साथ सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा एक नेगेटिव इमोशन है क्रोध का। मेरा क्रोध, मेरा एंगर, मेरा गुस्सा शांत हो रहा है, इस भावना को यहाँ पर बताया हुआ है। तो ऐसी महामंगलकारी ये गाथा, सर्प भय निवारक, हर प्रकार का सम्मानदायक और मेरे जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी परमात्मा की भक्ति के साथ दूर हो रही है। अत्र तत्र सर्वत्र खुशी 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 और आनंद की भावना का प्रचार प्रसार, यानी कि गाथा नंबर 37। तो हम सब साथ में मिलके रक्तेक्षणम वाली गाथा का साधना करेंगे और बीच बीच में जहाँ जहाँ पर भी स्वाहा के ऊपर अक्षत को चढ़ाते रहेंगे, वासक्षेप को चढ़ाते रहेंगे, धूप और दीपक को गोल 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 घुमाते रहेंगे। रक्तेक्षणम समद को किल कंठ नीलम क्रोधोद्रतम फणेन मुत्पण मापतंतम आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकर स्वं नाम नागद मणि हृदयस्य कुंस। ओम रीम अर्हम नमो क्षीरसमिणम, ओम नमो श्याम श्रीं शुं शः जल देवी कमले पद्मरद निवासिनी पद्म परिसंस्थिते सिद्धिं देवी मनोवांछितं कुरु कुरु स्वाहा। अर्पण करे चावल को, वासक्षेप को एक बार, दिए की लो को एक बार, परमात्मा की फोटो के सामने घुमाए। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्रतम फणेन मोत्पणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शंकर स्वन्नाम नागद मणि हृदयस्य पुंसः। ओम रीम अर्हम नमो क्षीरसम, ओम नमो श्याम श्रीं शुं शः जल देवी कमले पद्म रद निवासिनी पद्म परिसंस्थिते सिद्धिं देवी मनोवांछितं कुरु कुरु स्वाहा। रक्तेक्षणं समद कोकिल कंठ नीलम्
रुद्योदकं फणिनमुत्पण मापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्क स्वन्नामनागदमनि हृदयस्य कुंसः ॐ रेमर्हं नमो किरवसम् ओम नमो शाम शिम शोम शाह जल देवी कमले पद्मरदनिवासिनी पद्म परिसंस्थिते सिद्धिं देहि मनोवांछितं कुरुकुरु स्वाहा। एक बार दिया गोल गोल घुमा दीजिए। आगे बढ़ते हुए 38 नंबर का महामंगलकारी विधान कि जो हर प्रकार के संग्राम भय को निवारता है, संग्राम भय विचुरक कार्य, यानी कि 38 नंबर का विधान कि यहाँ पर संग्राम के अंदर, युद्ध के अंदर जो दौड़ते हुए घोड़े हाथियों की गर्जना के साथ जो भयंकर घोषणाएं होती है, राजाओं के बलवान सैन्य जहाँ पर खड़े रहते हैं वहां पर भी सूर्य के किरण के शिखाओं को, शिखाओं के द्वारा, शिखाओं के माध्यम से जो अंधकार है वो नष्ट हो रहा है और आपके कीर्तन मात्र और नाम स्मरण से दादा वैसे ही मेरे जीवन के सभी संग्राम दूर हो रहे हैं, सभी संग्राम में, सभी युद्ध में, सभी भय में मुझे मुक्ति मिल रही है और शक्ति मिल रही है। इस भावना के साथ निर्मलता और शीतलता मेरी बढ़ रही है और मेरी कीर्ति का भी व्याप्त हो रहा है। वल्गय तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलम बलवता मति भूपति दिया। एक बार गोल गोल कर दीजिए। मेरे कुंडली के सभी दोष दूर हो रहे हैं, मेरे वास्तु के सभी दोष दूर हो रहे हैं और हर प्रकार के ग्रह की, हर प्रकार के नक्षत्रों की शुभ एनर्जी मुझे प्राप्त हो रही है। इस भावना के साथ तुरंग गज गर्जित भीमनाद माझो बलो बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखा पवित्यम् त्वत्कीर्तनातम इवा शुभिदामुपैति। ओम रिम अर्हम नमो सप्ति समानम ओम नमो नमी उड़ विषार विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप दुम जाय सो नाम गान सकल सूर्य दे ओम नम स्वाहा। तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलो बलवता मति भूपति शिखा पवित्यम् त्वत्कीर्तनादम इवा शुभिदामुपैति। ओम रिम अर्हम नमो सत्यासनम ओम नमो नमी गुण विषहर विष प्राशन रोग शोक दोष ग्रह कप दुम जाय सुनाम गा सकल सुहृदे ओम नमः स्वाहा। मस्तक झुकाते रहिए, स्वाहा के ऊपर अक्षत चढ़ाते रहिए और अंतिम गाथाओं के महामंगलकारी विधानों में आगे बढ़ते बढ़ते कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह कि हे जटेश्वरी माता, आप हर प्रकार की शांति, हर प्रकार की उन्नति और हर प्रकार की
प्रगति देने वाली, ऊर्जा देने वाली माता हो, तो हे चतुश्वरी माता, आप जिन चरणों की स्तवना कर रहे हैं, ऐसे युगादि देव परमात्मा आदिनाथ की मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, और हर प्रकार के संग्राम, ये गाथा भी संग्राम भी निवारक है, तो हर प्रकार के संग्राम, हर प्रकार के जो भी रक्त के प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, बट जो भी युद्ध के अंदर सामने सामने फाइट के टाइम जो भी प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम्स में से हमारी मुक्ति हो। और हम कैसे हैं, तो परमात्मा की भक्ति करते करते हम एक योद्धा जैसे हैं। जैसे रण मैदान में, रण क्षेत्र में क्या होता है कि हर योद्धा अपनी जान देने को तैयार होता है अपने देश के लिए, तो यहाँ पर मानतुम सुरेश्वर जी बता रहे हैं कि परमात्मा, मैं उस हाथी की तरह, उस योद्धा की तरह सक्षम हूँ, मैं उस योद्धा की तरह ऊर्जामयी हूँ परम लक्ष्य को पाने के लिए। आपकी भक्ति करते करते मेरे अंदर जो बल आ रहा है, जो सामर्थ्य आ रहा है, वो मुझे और ज्यादा उत्कंठता, और ज्यादा आतुरता प्रदान कर रहा है कि जल्दी से जल्दी आपकी सेवा करते करते, आपकी भक्ति करते करते मेरा परम तत्व, मेरा परम लक्ष्य मुझे प्राप्त हो। तो ऐसी भावना बाते हुए कि हर प्रकार के दुर्जय, ऐसे शत्रुओं का भी नाश, ऐसे शत्रुओं का भी पराजय होके विजय की प्राप्ति, यानी कि गाथा नंबर 39। और हीलिंग के हिसाब से हर प्रकार के ऑपरेशंस के टाइम, ऑपरेशन प्री एंड पोस्ट ऑपरेशंस के टाइम ये गाथा का खास 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 पाठ करना चाहिए। हर प्रकार की रिकवरी, जो भी ऑपरेशन कोई भी पार्ट का, बॉडी पार्ट का हुआ है, हर प्रकार की रिकवरी फास्टर होती है, चोट का निवारक है, शत्रु भय नाशक है, और धन लाभ भी इससे होता है। तो ऐसा महामंगलकारी विधान दोनों हाथों को जोड़ते हुए कुंताग्र बिन गज शोणी तवारी वाहा विगावतार तरणा तुर योद दीने युद्धे जयं विजित दूषय झेय पक्षा स्त्रपाद पंकज वना शयो लभन्ते। ओम रीम अर्हम नमो मौरा समयम ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्र पद विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांति कुरु कुरु स्वाहा। चावल चढ़ा दीजिए, एक बार धूप और दीपक को गोल गोल कर दीजिए कि ये चक्रेश्वरी माता की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। और कल का हमारा मेडिटेशन, कल हमारे इस अनुष्ठानों का अंतिम दिवस, कल बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा हम लेने वाले हैं। कल अगर समय रहेगा तो 44 ऑल टुगेदर गाथाओं का पूरा जो ट्रैक है निकुंज गुरु जी के माध्यम से हम सुनेंगे, वो ट्रैक पूरा रेडी होके आ गया है, तो कल अगर समय रहता है उस हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे, तो वो पूरा ट्रैक हम सब साथ में मिलके सुनेंगे। और कल खास चकेश्वरी माता का आवाहन, चकेश्वरी माता का मेडिटेशन हम करने वाले हैं, तो वैसे चकेश्वरी देवी का वास, वैसे चकेश्वरी देवी का ऊर्जा का स्पंदन इस गाथा के साथ भी छिपा हुआ है। तो माता रानी को प्रणाम करते हुए, मस्तक झुकाते हुए कुंताग्र बिन गज शोणी तवारी वाहा विगावतार तरणा तुर योद दीने युद्ध जयं विजित दूषय झेय पक्षा स्वपाद पंकज वना शयो लभन्ते। ओम रीम अर्हम नमो मौरा समयम ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्र उपद्रव विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। धूप करिए एक बार, परमात्मा को अक्षत चढ़ाइए। कुंताग्र बिन गज शोणी तवारी वाहा विगावतार
दुर्जय जय पक्षा स्तुताद पंकज वनाशयो लभन्ते। ओम रिम अर्हम नम मौरासनम ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी शूद्र पद्र विनाशिनी धर्म शांति कारिणी नमः शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आगे बढ़ते हुए 40 नंबर की गाथा अम्बोनिदो क्षुभित भीषण नक्र चक्र के हे परमात्मा, इस संसार समुद्र के अंदर मेरा जीव मेरा जीवात्मा पटका हुआ है, संसार समुद्र से मुझे क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो जो हिलोड़ा लेता हुआ एक सागर है जहाँ पर बहुत जोर जोर से तरंगे उछल रही है, समुद्री मोजा मेरे जीवन के अंदर आपत्ति और दुख बन के आ रहे हैं, तो परमात्मा आप ऐसी दया करो, ऐसी करुणा करो, ऐसी ऊर्जा बरसाओ कि वो समुद्र भी कैसा हो जाए, शांत हो जाए, सारी दिशाएं सारे पवन अनुकूल हो जाए और मेरी यात्रा जीवन यात्रा निर्विघ्न संपूर्ण हो। तो समुद्र के अंदर अलग अलग प्रकार के उछलते तरंगों के साथ जब यात्रिक आपका नाम लेते हैं तो वो समुद्र भी कैसे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो हे परमात्मा मेरे जीवन में मेरे घर के अंदर मेरे हर प्रकार के काम के अंदर वर्क के अंदर क्या आए, क्या चाहिए हमें, सब कुछ मिल गया पर एक चीज जो हमें चाहिए हमेशा के लिए वो क्या चाहिए, चीरकाल की शांति। तो परमात्मा आपकी भक्ति से पीस ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति अचीव हो और मन में शांति होगी तो तन में रोम रोम में घर घर में नगर नगर में पूरे देश में और अथ सकल ब्रह्मांड में शांति 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 के वाइब्रेशंस 100% आएंगे। ऐसा शांतिदायक काव्य, हर प्रकार का विपत्ति विनाशक काव्य और समुद्र भय निवारक काव्य यानी कि गाथा नंबर 40 पक्ति अम्बो निदो क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दुर्बण वाण वाग्नो रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रा स्रासंगिहाय भवत स्मरणाद्वजन्ति। ओम रिम अर्हम नमो अमियासवाणम ओम नमो रामाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल प्राणक्रमणाय मन निश्चितम कुरु कुरु स्वाहा। अम्बो निदो क्षुभित भीषण नक्र चक्रम पाठीन पीठ भय दुर्बण वाण वाग्नो रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रा स्वसंगिहाय भवत स्मरणाद्वजन्ति। ओम रिम अर्हम नमो अमियासवाणम ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मन निश्चितम कुरु कुरु स्वाहा। अक्षत चढ़ाइए वासक्षेप चढ़ाइए, अष्टगंध आप अगर लेके बैठे हैं तो अष्टगंध से भी परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। अम्बो निदो क्षुभित भीषण नक्र चक्रम पाठीन पीठ भय दुर्बण वाण वाग्नो रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रा स्रासंगिहाय भवत स्मरणाद्वजन्ति। ओम रिम अर्हम नमो अमियासवीणम ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपते महाबल पराक्रमाय मन निश्चितम कुरु कुरु स्वाहा। एंड आज का अंतिम विधान, आज के दिवस का महामंगलकारी अंतिम विधान और ये जो गाथा है
41 नंबर बोलिए या फिर 45 नंबर बोलिए, ये एक गाथा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि सर्व रोग निवारण गाथा है। तो हर प्रकार की व्याधि, हर प्रकार की पीड़ा इस गाथा के माध्यम से शांत हो रही है। और आज के इस पावन पवित्र दिवस पर खास हे परमात्मा आपकी कृपा से, आपके चरण कमल की उपासना करते करते हर प्रकार की व्याधि दूर हो रही है। जिन जिन की भी दयनीय दशा हो चुकी है, क्या बता रहे हैं मानतुंग सुरेश्वर जी, कि जिन जिन जीवों की, जिन जिन पुण्यात्माओं की कुछ कर्मवशात दयनीय दशा हो गई है, तो हे दादा, जिन्होंने जीने की भी आश छोड़ दी है, ऐसे लोगों को भी आपका चरण रूपी जल, आपका चरण स्पर्श, आपका नवा जल, आपका रज रूपी अमृत अगर मिल जाता है, तो वो भी स्वरूपवान होकर, युवान होकर दौड़ने लगता है, भागने लगता है। तो हे दादा, मेरे जीवन के हर प्रकार के भयों का निवारण करो। इस भावना के साथ हीलिंग के लिए हम सब जानते हैं कि हर प्रकार की आदि व्याधि उपाधि का नाशक, हर प्रकार का शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार के ग्रहों की पीड़ा की दूर होना, उसके उन सभी चीजों के अंदर पॉजिटिविटी आना, यानी कि 41 नंबर का महा 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 अति मंगलकारी विधान जो हमारे जीवन में हर प्रकार की उन्नति लेके आ रहा है। और आज का संयोग देखिए, आज इतना बड़ा दिन, आज बहुत ज्यादा एनर्जी का दिन, आज पूरा दिन परमात्मा की भक्ति का दिन, आज हमने उस अग्रहरम के साथ साथ पद्मावती माता की भी आराधना करी। और आज के ही दिन हमारे इस सेशन का है मेन गाथा, जहाँ पर हम आज समापन करेंगे, वो गाथा भी है 41 नंबर की महामंगलकारी गाथा। तो चलिए हम सब साथ में मिलके इस गाथा की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हुए हृदयस्थ दादा आदिनाथ को करना है कि दादा आदिनाथ, आप मुझे जो भी दे रहे हैं, मुझे क्या चाहिए? मुक्ति सुख चाहिए। मेवा मरे के ना मरे, मरे सेवा तुम्हारी करनी है। तो दादा फिर से एक बार आज भी मेरी वही विनंती है, और जन्मों जन्म बहु बहु क्षण क्षण प्रति क्षण मेरी एक ही विनंती है दादा आपसे कि भव भव मलजो शरण तमारू, जन शासन के अंदर मेरा बारंबार बारंबार जन्म होता रहे। और दादा सच में ये भावना है कि आपके जैसा, आपकी तरह, आपके चरण में आपका दास बन के आपके साथ रहूं, उस मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति मेरे जीव को भी हो, इस परम लक्ष्य के साथ आज का ये अंतिम विधान करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए बहुत पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है, और दादा की असीम करुणा से मेरे हर प्रकार के रोग, शोक और कष्ट का निवारण हो चुका है। उद्भूत भीषण जलोदर पार भूना शोचांग शात्मुपगता शुत जीविताशा कृताद पंकज रजूमृत दिग्दिहा मर्त्या शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरो पशमनम कुरु कुरु स्वाहा। बहुत भाव से इस गाथा के साथ मस्तक झुकाइए, एक बार धूप दिया अगरबत्ती जो भी है गोल गोल करिए कि हर प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, मेरे रोग सारे दूर हो चुके हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूना शोचांग शात्मुपगता श्रुत जीविताशा कृपाद पंकज रजोमृत दिग्गदेहा
और आज के दिवस का अंतिम विधान करते करते आगे बढ़ते बढ़ते उद्भूत भीषण चलो दर भार दोना शोच्यां दशा मोपगता श्युत जीविताशा भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीण मानसानं ॐ नमो भगवते क्षुद्रो भद्रः शान्तिकारिणि रोग कष्ट ज्वरोपशमनं कुरु कुरु स्वाहा। इस गाथा के एक एक शब्द की एनर्जी, एक एक अक्षर की एनर्जी मुझे मिल गई है। मेरे हर प्रकार के रोग शोक और कष्ट दूर हो गए हैं और पृथ्वी मात्र के सकल ब्रह्मांड के सभी जीवों को सच में रोग मुक्ति का आनंद मिल चुका है। यही परम मंगलकारी भावना के साथ सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी खूब स्वस्थ बने, खूब अपनी लाइफ को एंजॉय करें, यही मेरी भावना है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो, उच्चारण अशुद्धि रह गई हो, तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्रम मिच्छामि दुक्रम मिच्छामि दुक्रम। ओम आज्ञाहीनं क्रियाहीनं मंत्रहीनं च यत्कृतं तत्सर्वं कृपया देवा शमन्तु परमेश्वरा। आवाहनं नैव जानामि न जानामि विसर्जनं पूजा विधिं न जानामि प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लया मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। बोलिए जिन शासन देव की जय, आज के आनंद की जय। खूब 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 आज परमात्मा आदिनाथ की भक्ति करो, माई भद्र वीर की माला करो और जीवन के अंदर आज जो एनर्जी आपने ली है उस पॉजिटिविटी को टिका के रखो। बहुत 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 पावर्स आज आपको मिल चुकी है, इस पावर्स को जीवन के अंदर और ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए और प्रगति प्राप्त करने के लिए आपको मिलती रहे। सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, ये हृदय से भावना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कल लास्ट डे, कल खास 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 जुड़िएगा। कल अंतिम दिवस पर तीन गाथाओं का महामंगलकारी विधान करेंगे जैसे हम रोज कर रहे हैं। 44 गाथा का निखिलजी भाई की आवाज में ट्रैक है, मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो उस ट्रैक को हम सुनेंगे। 33-35 मिनट का ट्रैक है, तो उस ट्रैक को ध्यान पूर्वक हम सुनेंगे एंड माँ चकेश्वरी की आराधना, माँ चकेश्वरी का मेडिटेशन कल हम करेंगे। तो डोंट मिस कल अंतिम दिवस है। आप सबने लगातार इतना अच्छे से हृदय से दिल से मेरे को आशीर्वाद दिया है, सपोर्ट दिया है और इट इज रियली माई प्लेजर कि आप सब जो रहे हैं एंड बस आनंद आनंद आनंद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते खिलखिलाते रहो। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, अस्तु।